ये तो मैंने बता दिया आपको कि स्केल टिब्रोस्टी, अगर स्केल टिब्रोस्टी ना भी कहें तो स्केल टिब्रोस्टी से पीछे की तरफ जो मसल आते हैं दैट इज ऑब्टूरेटेड इंटरनस मसल। आपको सिंपल सी बात पता है, हिप बोन आपने देखी हुई है, बोनी पहले से आपने देखा हुआ, आपको पता है कि ऑब्टूरेटेड इंटरनस मसल होता है जो ऑब्टूरेटर फोरामेन के अंदर की तरफ से निकल रहा होता है। एंड यू नो आपने लोअर लिम में ये भी बात पढ़ी हुई है कि वो जो ऑब्टूरेटेड इंटरनस मसल है जो कि उसके अंदर की तरफ से निकल रहा है, वो निकल बेशक उस जगह पर से रहे जहाँ पर यूरोजेनिटल ट्राइंगल है, लेकिन वो फिर उसके बाद पीछे आता है, पीछे आके वो लेसर शियाटिक नॉच से पास करता है जहाँ पर सुपीरियर इन्फीरियर जेमिलस उसमें शामिल होके फिर मिलके वो थाई में चले जाते हैं और ग्रेटर ट्रोकेंटर पे इंसर्ट होते हैं। तो हमारे पास बेशक जो ऑब्जेक्टिव फॉरमेन है वो यूरोजेनिटल ट्रायंगल का पार्ट है कि वो यहाँ पर लाइक कर रहा होगा ऑब्जेक्टिव फॉरमेन, लेकिन जो उधर से ऑब्जेक्टिव इंटरनस मसल निकल रहा है वो तो पीछे आ रहा है इस तरह से और लेसर शियाटिक नॉच में से पास कर रहा है। इसका मतलब ये कि जो लैटरल बाउंड्री बनाएंगे हम अपने इस एनल ट्रायंगल की, तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव इंटरनस मसल को भी शामिल करेंगे। अब ये क्योंकि लैटरल बाउंड्री है तो इधर मैं बना देती हूँ सपोज ये वाला मसल ऑब्जेक्टिव इंटरनस मसल, और ऑब्जेक्टिव इंटरनस मसल है, मसल को हमेशा कवर किया हुआ होता है एक अदद फेशिया ने, तो इसके ऊपर हम बना देते हैं, एक सेकेंड, ये हमने बना दिया ऑब्जेक्टिव इंटरनस का फेशिया, ठीक है जी। अब ये वाली अगर मैं एग्जैक्टली बता दूँ तो अब ये जो हमारे पास आ रहा था फेशियल सेप्टम, मैंने कहा था आया है वाइट लाइन ऑफ हिल्डन वाली जगह से आया है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर ने दिया, ये जाके अटैच हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फेशिया के साथ, आगे तक जाएगा ही नहीं, ठीक है जी। इसकी वजह से हमारे पास ये जो सारा का सारा अपना इस्क्यूएनल फॉसा था एक साइड का, एक इस साइड पे इस्क्यूएनल फॉसा होगा, एक इस साइड पे, इसकी जितनी भी फैट इसमें पड़ी हुई थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, ठीक है जी। अपर पार्ट को हम फिर से कह देंगे इस्क्यूएनल फॉसा ही कहेंगे इसको, लोअर पार्ट को हम कह देंगे पेरीएनल फॉसा या पेरीएनल स्पेस, ठीक है जी। और जो ये सेप्टम बीच में आके जिसने डिवाइड कर दिया उसका नाम है एनल सेप्टम, पहली बात होगी। अब उसके बाद हमारे पास दो फेशियाज हमने अभी तक देख लिए, एक एनल फेशिया या एनल सेप्टम, इसे एनल फेशिया भी कहते हैं, और ये कोई एक पतली सी लड़ी नहीं है, ये पूरे इस्क्यूएनल फॉसा को एक साइड ऑफ एनल के नाल सारे को डिवाइड कर देती है एक अपर और लोअर पोर्शन में। ये नहीं कि एक जगह पर सारी लड़ी है जो अपर और लोअर को डिवाइड करती है, बाकी पूरे इस्क्यूएनल फॉसा, सपोज अगर ये मेरा पूरा हाथ जो है एक साइड का इस्क्यूएनल फॉसा है, तो ये जो सेप्टम आएगा ये इस तरफ से आएगा और पूरा छा जाएगा इसके ऊपर, इतना कि एक नीचे का पोर्शन बन जाएगा एक ऊपर का पोर्शन बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आती है, दो फेशिया तो हमने देख लिए एनल फेशिया एंड ऑब्जेक्टिव इंटरनस फेशिया, एक तीसरा फेशिया भी होता है। अच्छा, ये तो हम बना देते हैं सपोज ये वाली जगह जो है पेल्विक डायफ्राम है ऊपर यहाँ तक, ठीक है, ये पेल्विक डायफ्राम है, आपको पता है ना पेल्विक डायफ्राम ऐसे ही होता है, दरमियान में उसके सुराख होता है जिधर से रेक्टम एंटर हो जाता है और एनल कैनाल बन जाता है, यानी कोक्सीजियस वगैरह मसल, और आपको पता है ये भी पेल्विक डायफ्राम को नीचे से कवर करता है पेल्विक फेशिया, ये भी आपको पता है ऊपर नीचे से उसके पेल्विक फेशिया उसे कवर करता है। तो अब हमने तीन फेशियाज देख लिए, एनल फेशिया, ऑब्जेक्टिव इंटरनस का फेशिया एंड पेल्विक फेशिया। एक और फेशिया होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द ल्यूनेट फेशिया। वो क्या होता है, जिधर आपका एनल फेशिया और ऑब्जेक्टिव इंटरनस का फेशिया मिल रहे हैं ऑलमोस्ट उस जगह पे, या कुछ बुक्स कहती हैं ऑब्जेक्टिव इंटरनस वाले फेशिया से एक और फेशियल सेप्टम निकलता है और वो इस तरह से मून शेप में आके यहाँ पर इसके नीचे से ट्रेवल करके आएगा और आके अटैच हो जाएगा विद दिस फेशिया, ठीक है। ऑलमोस्ट ये कुछ मून जैसा लगता है, यहाँ से आया यहाँ, चांद भी कुछ इसी तरह का होता है ना ऐसे करके, तो ये फेशिया भी कुछ ऐसे ही करके, ठीक है जी, इसलिए इसका नाम ल्यूनेट फेशिया दिया हुआ है। इस ल्यूनेट फेशिया की वजह से जो आपका पहले पूरा इस्क्यूएनल फॉसा था ये दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, एक इसका पोर्शन बन गया ये वाला, ये जो पोर्शन है सारा ऊपर ऊपर ये वाला, और एक इसका पोर्शन बन गया ये अंदर वाला पोर्शन, ठीक है जी, ये वाला। तो जो इस्क्यूएनल फॉसा दो पोर्शन में डिवाइड हो गया बिकॉज ऑफ दिस सेप्टम, उनमें से ये ऊपर वाले को हम कह देते हैं सुप्रा टेगमेंटल पोर्शन या सुप्रा टेगमेंटल स्पेस, और इस वाले को हम कह देते हैं टेगमेंटल स्पेस, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया हमारा इस्क्यूएनल फॉसा, इसमें बस एक चीज़ रहेगी दैट इज़ द पुडेंडल केनाल। अब आपको पता है हमने बात कर ली सारे फेशियाज की, अब पुडेंडल केनाल क्या है, आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर इसको सारे एनल केनाल को नर्व्स ने सप्लाई करना है, आर्टरीज और वेंस ने ड्रेन भी करना है, अगर हर तरफ फेशिया भर देंगे बीच में सेप्टास डाल देंगे तो फिर नर्व्स आर्टरीज वगैरह ट्रेवल करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक हमने खाली जगह बना दी, एक पूरा टनल बना दी, पूरी गार बना दी इस पूरे सारे के एरिया में ताकि हमारे पास आर्टरी वेन और नर्व ट्रेवल कर सकें। वो गार हमने कहाँ पर बनाई, गार हमने बनाई इस तरह से कि एक साइड से उसने अटैचमेंट ली गार ने इस ल्यूनेट फेशिया पे, दूसरी साइड से उसने अटैचमेंट ली इस ये वाला जो अपना आ रहा था एनल फेशिया, और तीसरी साइड से उसने अटैचमेंट ली ऑब्जेक्टिव फेशिया पे। इतना सा एरिया हमने वो रख दिया जिसमें से हमने हर तरह के फेशिया को गायब कर दिया, और यहाँ पर से गुजरने के लिए हमने रास्ता दे दिया तीन चीज़ों को विच इज़ पुडेंडल आर्टरी, पुडेंडल वेन एंड पुडेंडल नर्व। तो ये आए पुडेंडल केनाल। दिस इज़ ऑल अबाउट द इस्क्यूएनल फॉसा, बहुत आसान है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू। बाकी मैं पेरिनियम नेक्स्ट में बताती हूँ।